कानपुर में बुधवार को निर्माणाधीन 6 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। यह निर्माणाधीन इमारत समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मेहताब आलम की है। पुलिस ने सपा नेता मेहताब आलम और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं एनडीआरएफ ने 10 घंटे के बाद मलबे से एक 3 साल की बच्ची को जिंदा निकाला है। जाजमऊ केडीए कॉलोनी से सटे गुज्जूपुरवा में मेहताब आलम के लेदर गुड्स के कई कारखाने हैं। इसके साथ ही एक और कारखाने का निर्माण कार्य चल रहा था। इस इमारत की 5 मंजिल का काम पूरा हो चुका था और 6ठी मंजिल पर स्लैब डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत में करीब 80 मजदूर काम कर रहे थे। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक पूरी इमारत भरभरा कर ढह गई और स्लैब की ढलाई में लगे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद एसपी कई थानों की फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव का काम संभाला। सेना और एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। वहीं देर रात एनडीआरएफ के डीआईजी भी कानपुर पहुंच गए और पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। एनडीआरएफ की टीम रात भर विक्टिम लोकेटर कैमरा और माइक से मलबे में दबे लोगों की तलाशी की। सुबह करीब 4 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम ने एक बच्ची को सकुशल मलबे से बाहर निकाल लिया। फिलहाल अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। बेहद ही दर्दनाक हुआ है कानपुर के जाजमऊ में। निश्चित तौर पर यह लापरवाही का एक बड़ा मामला है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।